लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस भविष्यवाणी की पुस्तक में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लें, जिससे कि आप पढ़ सके इस वचन को सबसे पहले। हालेलुया। आइए हम सब मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ करोलाकी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन जीतना जरूरी है। जिस तरह 2 शमूएल की पुस्तक अध्याय 8:13 में लिखा है, जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 आरामियों को मार कर लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में देशों और लोगों के बीच लड़ाइयां होती थी, क्योंकि यह उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी। बाइबल बताती है कि जब उन्होंने जीत कर अपनी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया, तो परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया और उनका नाम बड़ा करके उन्हें सब प्रकार की आशीषें दी। आज आपको यह समझना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या बुलाहट है। आज आपको बुलाहट देश और लोगों के मारने की नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। शैतानी शक्तियों का मुख्यालय आसमान में है। जब जब आप लड़ेंगे और जीतेंगे, तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी जो आपने पहले कभी नहीं पाई होंगी। वह आशीष आपके परिवार का उद्धार हो सकता है, आपके पिता का नशा छोड़ना हो सकता है, आपका व्यापार और चंगाई हो सकती है। ये सारी आशीषें आपके जीतने पर निर्भर करती हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते और न ही वह जीतते हैं, और इसलिए वह उन आशीषों को नहीं ले पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी हैं। बाइबल बताती है कि जब जब दाऊद लड़ा और जीता, तब तब लोग उसे उसके पास भेंटें लेकर आने लगे, और परमेश्वर ने उसको और ज़्यादा धनी और सामर्थ्य और उसके नाम को ऊँचा किया। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि जब तू मुझे पुकारेगा, तब मैं तेरे नाम को बड़ा करूँगा। अगर तू मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो स्थान मैंने तुझे दिया है, उस स्थान में बैठकर लड़ता रहे और अड़ा और खड़ा रहे, तो फिर मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊँगा और तुझे आशीषित करूँगा। मेरे प्रियो, इस लड़ाई को जीतने के लिए जो सबसे मुख्य चीज आपको चाहिए, वह है पाप पर जीत प्राप्त करना, क्योंकि आपकी लड़ाई अब शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। उसे आप शरीर की ताकत से नहीं जीत सकते। जब तक पाप की ताकत आप पर भारी रहेगी, आप उस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। जब आप पाप करना छोड़ देंगे, तो कुछ आशीषें आसानी से आपके जीवन में आ जाएंगी। इसलिए जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार लड़ेंगे और जीतेंगे, तो परमेश्वर की ठहराई हुई आशीषें आपके जीवन में आएंगी। परमेश्वर आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। आमेन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने वाले लोग आपके वचनों पर मनन करें सकें, और यह लोग अपनी बुलाहट को समझकर उसके अनुसार अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके इस पवित्र वचन के द्वारा आजाद करे, आपको छुए, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू।